वेलकम टू माय चैनल परम्स किचन। और आज मैं आप सभी के साथ मीठे चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से बनाना। चलिए स्टार्ट करें। मीठे चावल बनाने के लिए हमने एक गिलास चावल लिए हैं, इस तरह हमने भिगो दिए हैं। एक घंटा इन्हें भिगोए हुए हो गया है, अच्छे से पानी में हमने इन्हें भिगो दिया है, वॉश कर लिया है। और हमने ड्राई फ्रूट लिया है, इसके लिए बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, किशमिश और ये गोला लिया है, इलायची पाउडर लिया है, चीनी ली है हमने एक गिलास नाप से, और देसी घी लिया है, जीरा लिया है और कलर लिया है येलो जो हम डालेंगे। और ये जो हम चावल बनाएंगे आज, हम बिना चाशनी बनाए बनाएंगे, बहुत सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, घी कढ़ाई में डालना है, गैस तेज कर दी, अभी हमने घी को मेल्ट होने देंगे। सबसे पहले हम काजू डाल रहे हैं और फिर में ही बादाम हल्का सा रोस्ट करेंगे इन्हें देसी घी में। जब हमारे काजू और बादाम हल्के रोस्ट हो जाएंगे उस समय हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश 2 मिनट रुक के हम डालेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट को इस प्लेट से निकाल लेते हैं। अब बचे हुए घी में हम 1 चम्मच जीरा डाल रहे हैं, गैस कम कर दी है हमने। अब हमें पानी ऐड करना है, जितने चावल लिए हैं उसकी डबल क्वांटिटी में हमें पानी ऐड करना है। करेंगे पानी में एक बॉईल होने का। अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं, पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, तेज गैस पे मैंने पानी बॉईल किया है। अब मैं इसमें अपने चावल ये ऐड करेंगे हम। चावल अब हमने ये भी पानी में डाल दिए। अब हम इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से और सेम गैस कर देंगे, और बिल्कुल जैसे हम घर पे नॉर्मल राइस कुक करते हैं उस तरह हम इन्हें कुक होने देंगे। 5 से 10 मिनट जो चावल को कोने में लगते हैं उसी तरह हम करेंगे। बिल्कुल सेम गैस कर दिए और अब हम इसे अच्छे से कवर कर देते हैं और वेट करते हैं चावल से अच्छे से कुक होने का। अब हम चावल को चेक करेंगे। चावल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, जैसे हम नॉर्मल जीरा राइस बनाते हैं उसी तरह हमने बनाए हैं। और तो आप हाथ से देख सकते हैं इस तरह बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। इलायची पाउडर हमने पहले ऐड करा था जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम चावल बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं। अब हमने चीनी ऐड करनी है। जितने हमने चावल लिए उतने ही हमने इस समय चीनी ऐड कर देनी है और मिक्स करेंगे अच्छे से। गैस इस समय सिम रखेंगे, ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ऊपर डालेंगे और अब कलर ऐड करेंगे। इतना कलर डालना है, 1 पिंच जितना। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करा है और आप देख सकते हैं अब चीनी मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है। कलर डालने के बाद ये हमने फूड कलर लिया है येलो कलर का,
ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं, चावल भी हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। और अब हमने क्या करना है, इसे फिर से कवर करके रख देंगे जिससे ये बिल्कुल सूख जाए चावल फिर से पहले की तरह। और ये चावल जो हमने बनाए हैं बिना किसी चाशनी के बनाए हैं, मोस्टली लोग कन्फ्यूज रहते हैं चाशनी एक तार की है किस तरह बनाएं, चावल कच्चे रह जाते हैं। इस तरह बनाने से ये बहुत आसान रेसिपी है और हमारे चावल बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते। अब हम ढक्कन खोल के चावल देखते हैं। चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और चावलों को सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं चावल बहुत अच्छे से गल चुका है, बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। मीठे चावल बनकर तैयार हैं। आप भी मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।